डीपीएस आर ने पहले दिन अपने विद्यार्थियों का निशुल्क कोविड टेस्ट कराया। प्रसन्नता का विषय यह रहा कि सभी बच्चों का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। विद्यार्थियों में निशुल्क मास्क वितरण कराया गया। हर जगह सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया। महामारी को देखते हुए सभी सरकारी दिशा निर्देशों का विधिवत पालन किया गया। डीपीएस सोसाइटी दिल्ली की शाखा दिल्ली पब्लिक स्कूल आरा उद्वंत नगर का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर डीपीएस आरा के संस्थापक रजनीश कुमार, डायरेक्टर राजकुमार, एकेडमिक मेंटर संगमित्रा घोष और प्रधानाचार्य मृदु अखौरी उपस्थित रहे। प्राचार्य ने बच्चों के सुंदर, सुखद व उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय परिसर एक मनमोहक छटा बिखेर रहा था, मानो सजीव हो उठेगा। लगभग एक वर्ष बाद डीपीएस आरा शिक्षण संस्थान प्रांगण विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ हो गया है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति उत्साह वर्धक रही। स्कूल की कार्यवाही सर्वप्रथम प्रार्थना सभा से हुई। विद्यार्थी उत्साहित और ऊर्जावान थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने तरह तरह के कार्यकलापों का प्रदर्शन किया। कक्षाओं में पढ़ाई नियमित रूप से हुई। विदित हो कि नए सत्र में नामांकन प्रक्रिया विभिन्न वर्गों के लिए प्रारंभ हो गई है। डीपीएस आरा को 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने के लिए सुसज्जित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में सीबीएसई की संबद्धता प्रदान की गई है।
इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिंगुआ फ्रैंका जिसको बोलते हैं, आपस में बातचीत करने का लैंग्वेज इंग्लिश होता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आप लोगों को बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं। अगर आप इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश आप लोग सीख रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोग सब बहुत अच्छी इंग्लिश सीख लेंगे। सो जरा भी इंग्लिश को लेकर आप लोग कॉन्शियस मत रहिएगा, इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश का यूज़ करेंगे, ठीक है, हिंदी भी यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा भोजपुरी भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। Let me ask you a question first. Do you children watch movies? Yes. Have you seen Uri the Surgical Strike? Yes. So let me ask you, how is the Josh? Yes. That's great. So first things first, Rajneesh sir was telling you about English, about your confidence. Let me tell you, I'm also a small town boy. I love English more than anything else. And I studied in your very Catholic high school, mission school. And I rose to become the editor of the world's largest circulated English daily, the Times of India. So English is not a hard language. It's very easy. We will see to it that every one of you is